अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर की स्पैगेटी। और इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पोटैटो, गार्लिक पेस्ट, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, विनेगर, सोया सॉस, टोमेटो केचप क्रश। अब हम क्या करेंगे, हम डालेंगे एक फ्राई पैन में अपना ऑयल, 2-3 टीस्पून ऑयल में, और उसके बाद आलू जो है वो हमारे हैं क्या कहते हैं थोड़े से कतली कटी हुई। अब उसको हम डाल के उसको थोड़ा सा 5 से 5 मिनट थोड़ा सा हम लोग उसे फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद उसका नाम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे तो हाफ टी स्पून हमने गार्लिक पेस्ट डाला है, और हम इसको डाल के अब इसको हम इसको मिक्स करेंगे, ठीक है, मिक्स करेंगे ताकि वो उसमें फ्लेवर आ जाए। और फिर उसके बाद उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, 2 से 3 मिनट हम इसे मिक्स करेंगे। और कतलियाँ हमने इसलिए काटनी छोटी छोटी सी ताकि वो जल्दी से गल जाएँ। बड़ी बड़ी काटेंगे तो फिर वह पानी डाल लेंगे, और फिर पानी डालने के बाद वो हो जाएगा। उसके बाद हम डालेंगे मटर अपने बॉईल हुए हुए। 1 कप हमारे मटर हैं, उसको हम बॉईल कर रहे हैं, बॉईल किया है, और बॉईल करने के बाद हमने इसके आलू के अंदर हम इसे मिक्स कर दिया है ताकि थोड़ा सा आलू और मटर जो है मिक्स हो जाए। इसके अंदर हम डालेंगे अपना ब्लैक पेपर। इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून हमने डाले काली मिर्च, हमने अपने टेस्ट के मुताबिक डाला है, आपको जितना कम ज़्यादा लगे आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने 1/2 टीस्पून डाला है ब्लैक। इसमें डालेंगे नमक 1/2 टीस्पून, और उसके बाद हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च हमारी 1 टीस्पून है, और 1 टीस्पून हमने क्रश वाली, ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च। और जितनी अगर आप फ्रेश डालेंगे ज़्यादा बेहतर होगा, वैसे तो रेडीमेड भी आती हैं, बाज़ारों से मिल जाती हैं। अब ये मिक्स हो गया है, इसको थोड़ा सा और मिक्स करना है अच्छी तरीके से। उसके बाद हम डालेंगे इसमें विनेगर, विनेगर हमारा है 1 टीस्पून, और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर सोया सॉस, सोया सॉस हमारा 1/2 टीस्पून है। और इसको डाल के हमें इसमें डालना है फिर केचप, केचप डालेंगे 3 टेबल स्पून केचप डालना है। और फिर केचप डालने के बाद इसमें हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स करना ताकि जितनी भी सारी सब्जियों में उस सारे मसालों का फ्लेवर आ जाए। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद 2-3 मिनट उसको रख दें ताकि थोड़ा सा नहीं दरमियाने। और फिर एक जगह हमने बॉईल कर दिया है स्पैगेटी को, स्पैगेटी को अब हमने इसमें शामिल कर दिया है। और स्पैगेटी को याद रखिएगा, और ये 5 से 7 मिनट होती है, उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ऊपर नीचे मिक्स करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और फिर हमारी स्पैगेटी तैयार है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।